रेडियो धारावाहिकों के क्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नूपुर के स्वर। 13 कड़ियों वाला हमारा ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल रचित तमिल महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित है। ईसा की द्वितीय शताब्दी में लिखा गया ये महाकाव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है, जिसमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का चित्रण हुआ है। ये कथा ईसा की दूसरी शताब्दी के 50वें वर्ष की है। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी। कन्नगी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता है। राजा सेनुकुट्टवन स्वयं अपने निरीक्षण में मंदिर का निर्माण करवाता है। इसी बीच राजा को पता चलता है कि जिस गुप्तचर को उसने अपनी विजय के समाचार घोषित करने भेजा था, उसने उस समाचार को बड़े अप्रिय रूप से घोषित किया है। राजा इस समाचार को सुनकर क्रोधित हो उठता है, क्योंकि गुप्तचर द्वारा दिए गए संदेश के अनुसार वो अत्याचारी राजा सिद्ध हो गया है। क्रुद्ध राजा को मांडलन शांत करता है। वो उसे जीवन की अस्थिरता और नश्वरता की बातें समझाता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहता है। मांडलन की इन बातों से राजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो युद्ध में पराजित कर बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त कर देता है। कन्नगी के मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है। राजा यज्ञ के लिए प्रबंध करवाता है। मंदिर में नित्य पूजा के लिए भी आदेश दे दिए जाते हैं। राजा का छोटा भाई इलंगो अडिगल भी इस अवसर पर वहां मौजूद है। मंदिर का निर्माण बहुत भव्य और सुंदर हुआ है। सब मंदिर की प्रशंसा करते हैं और समारोह में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। अब आगे नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार, नूपुर की झंकार गूंजे। देवी कन्नगी की जय, माता कन्नगी की जय, देवी कन्नगी की जय, माता कन्नगी की जय, देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा अपनी माता कन्नगी की जय, अपनी माता कन्नगी की जय, प्रतिपल पति का साथ दिया ऐसी सन्नारी की सदा ही जय, ऐसी सन्नारी की सदा ही जय, देवी कन्नगी की जय, माता कन्नगी की 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 जय, जय हो जय हो कन्नगी, जय हो। सुनो सुनो, जय हो देवी कन्नगी की जय, देवी कन्नगी की जय। सुनो सुनो, इस भव्य मंदिर का यज्ञ समारोह निर्विघ्न समाप्त हुआ। देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। आज से इस मंदिर में प्रतिदिन भजन पूजन का कार्य चलेगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ देवी दर्शन को आएंगे, उन्हें अवश्य ही पुण्य लाभ होगा। अब भंडारा खुला है, आप सब कृपया प्रसाद ग्रहण कर भोजन के लिए पधारें। जय हो देवी कन्नगी की जय। जय हो प्रजाजनों, मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि कोई भी भक्त यहां से भोजन ग्रहण किए बिना न जाए। ये भंडारा सबके लिए खुला है। महाराज की जय हो, गंदगी की जय हो, गंदगी की जय हो। महाराज, आप कृपा कर भीतर पधारें और प्रसाद ग्रहण करें। आओ इलंगो, तुम भी आओ। जी महाराज। इधर पधारिए महाराज।
पुजारी बाबा जी, मांडलन देवता कहाँ है? अब वो तो यज्ञ की शेष सामग्री नदी में प्रवाहित करने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप प्रसाद ग्रहण करिए। धन्य भाग्य बाबा जी। पुजारी बाबा, ये मेरा छोटा भाई इलंगो है। अच्छा, मुझे ये मेरा भाई प्राणों से भी प्यारा है। पुजारी बाबा, मेरे लिए महाराज मेरे बड़े भाई नहीं वरन पिता के समान है। क्यों ना हो? और मैं इनका उसी रूप में आदर करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है वत्स, किंतु किंतु क्या पुजारी बाबा? जाने दो वत्स, इस शुभ अवसर पर अन्य किसी बात का कोई महत्व नहीं, जाने दो। ऐसी क्या बात है पुजारी बाबा जो आप इस शुभ अवसर पर बताना नहीं चाहते? जाने दो महाराज, समय की गति के साथ सब घटनाएं स्वयमेव सामने आ जाती हैं। अनहोनी तो होती नहीं और होनी को कोई टाल नहीं सकता। पुजारी बाबा, अब मेरे मन में बहुत संशय हो रहा है, कृपया आप स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहें, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग कर यहाँ तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि बात क्या है। इतना हट करते हो वत्स, तो सुनो। तुम अपने जिस बड़े भाई का पिता के समान आदर करते हो, उसी के जीवन काल में तुम उसे राजगद्दी से उतार कर स्वयं राजा बनोगे। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी बाबा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भविष्य की रेखाएं तुम्हारे माथे पर स्पष्ट पढ़ सकता हूँ। तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से इसी ओर संकेत कर रहा है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा ही भविष्य है मेरा, तो मैं निश्चित रूप से प्राण त्याग दूंगा। इलंगो, ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? ऐसे 100 राजपाट तुम पर न्योछावर, तुम्हें राज्य देकर तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा मेरे भाई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस प्रकार ग्लानी मत करो। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरा कर्तव्य तुम पूरा करोगे। इस प्रकार मुझे ईश्वर भक्ति का पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। नहीं महाराज, कदापि नहीं। मैं आपकी छत्र छाया में सुखी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव, शिव, ओ भाग्य, गुरु मांडलन पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, अब सब कार्य संपन्न हुआ। अब पुजारी महाराज, मुझे भी प्रसाद दीजिए। ये लीजिए। अरे इलंगो भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये निराश मुद्रा और आंखों में आंसू, क्या बात है? कुछ नहीं देवता, ये तो पगला है। क्या? पुजारी बाबा ने इसके मस्तक की रेखाएं पढ़कर बता दिया कि ये मेरे जीवन काल में ही राजा होगा। क्या? बस इसी बात को सुनकर ये इतना दुखी हो गया है। इलंगो, पुजारी बाबा ने तो तुम्हारा भविष्य अभी पढ़ा है। मैं तो ये बात तुम्हें पहली बार देखते ही जान गया था। तब तो इस भविष्यवाणी में किंचित भी संदेह नहीं। इलंगो, ये तो मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। मेरे भाई, तुम निराशा छोड़ दो और प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा ये भाई प्रसन्नता पूर्वक अपना राजपाट तुम्हें सौंप देगा। और ऐसी स्थिति आने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इलंगो, ये निश्चित है। इलंगो, यदि तुमने मन में दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय कर लिया है कि तुम अपने पूजनीय भ्राता के सर से मुकुट उतरने नहीं दोगे, तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। हमारे भविष्य की रेखाएं भी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से हार जाती हैं और बदल जाती हैं। यदि तुमने मन में ये पवित्र निश्चय कर लिया है, तो ईश्वर अवश्य ही तुम्हारे सहायक होंगे। आप सच कह रहे हैं देवता। मेरी बात का प्रमाण तुम्हें तुम्हारा भविष्य देगा। और मैं प्रण लेता हूँ कि ऐसा ना होने की स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इलंगो, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इलंगो, तुम्हारी इच्छा शक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा भविष्य तुम स्वयं रचोगे। देवता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा कर आप मुझे दीक्षा दें और अपने शिष्यत्व में ग्रहण करें। मैं इस निःसार संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। महाराज, उसे मत रोकिए, उसका पथ उसे बहुत आगे ले जाएगा। गुरुदेव, उसे सामान्य जीवन जीने को विवश कर आप मोहवश बड़ी भूल करेंगे। उसके हाथों तो कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न होना है महाराज। कैसा विशिष्ट कार्य देव? इलंगो,
तुम इसी मंदिर में रहकर कन्नगी और कोवलन के जीवन की घटनाओं पर आधारित एक महाकाव्य की रचना करो। इस महाकाव्य की रचना से तुम्हारा नाम साहित्य जगत में सदा के लिए अमर हो जाएगा, ऐसा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। जो आज्ञा देवता। पुजारी बाबा, अब तो हम सबको प्रसाद दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए प्रसाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अभी और कितनी दूर चलना होगा? अरे तुम तो अभी से थक गए। तुमने घंटे और शंख की ध्वनि नहीं सुनी? वो ध्वनि उस मंदिर से तो आ रही है। और वो देखो अब तो मंदिर का बुर्ज भी दिखाई देने लगा। हाँ भाई, कहते तो तुम ठीक हो। तो बस हिम्मत करो और चलते रहो। अब तो मंदिर पहुंचे ही समझो। चलो भाई, चलो चलो। लेकिन ये तो बताओ कि ये मंदिर है किसका? ये कन्नगी देवी का मंदिर है। कन्नगी देवी? कौन कन्नगी देवी? इतने विस्तार से तो मैं भी नहीं जानता। मंदिर पहुंचकर वहां के पुजारी से पूछेंगे, किंतु लोगों के मुंह से इस मंदिर की बहुत प्रशंसा सुनी है। लोग कहते हैं कि बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है ये। यहाँ प्रतिदिन दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। लो, बातों ही बातों में हम मंदिर भी पहुंच गए। कितना सुंदर मंदिर है, कैसी अद्भुत वास्तुकला। इस नैनाभिराम मंदिर के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मेरी तो सारी थकान ही मिट गई। किसने बनवाया ऐसा भव्य मंदिर? इस मंदिर का निर्माण राजा सेन कुटवन ने स्वयं अपने निरीक्षण में करवाया है। मंदिर के निर्माण के लिए राजा स्वयं हिमालय पर्वत से चुने हुए पत्थर लेकर आए, फिर उन पत्थरों को गंगा जल से धोया गया और तब जाकर उन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक अति विशिष्ट अति सुंदर पत्थर से देवी कन्नगी की प्रतिमा को तराशा गया। हाँ भाई, तभी तो इस मंदिर की इतनी अनूठी छटा है। वास्तव में बेजोड़ है ये मंदिर, और देवी कन्नगी की मूर्ति कितनी सजीव लगती है। ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। मेरे तो नेत्र तृप्त हो गए इस छवि को निहार कर। पुजारी बाबा। हाँ, पुजारी बाबा। आओ भक्तों आओ, कहाँ से आना हुआ, यहाँ के तो नहीं लगते। ठीक पहचाना बाबा। बहुत दूर से आए हैं, इस मंदिर की बहुत महिमा सुनी थी, बस इसीलिए दर्शन करने चले आए। अच्छा किया बेटा, लो प्रसाद ग्रहण करो। जी धन्यवाद पुजारी बाबा। बाबा हाँ, ये तो बताइए कि ये कन्नगी देवी है कौन? ओहो, तो तुम कन्नगी देवी की कथा से अपरिचित हो? तो तुम्हें उस वृक्ष के नीचे बैठे उन महात्मा से मिलना होगा, उनके पास ही मिलेगा तुम्हें अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। लेकिन पुजारी बाबा, वो महात्मा कौन है? उनका पहनावा भले ही सन्यासियों जैसा है, किंतु मुखमंडल की आभा से तो वो किसी राजघराने के प्रतीत होते हैं। सही पहचाना तुमने वत्स, वो इस मंदिर का निर्माण करने वाले राजा सेनु कुट्टुवन के छोटे भाई इलंगो अड़गल हैं। राजा के भाई और सन्यासी, ये कैसे बाबा? तुम्हारी शंका उचित है बेटा। इलंगो के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो अपने बड़े भाई के जीवन काल में ही उनका राजपाट हथिया लेंगे। इलंगो अपने भाई को पिता तुल्य मान उनका बहुत आदर करते थे। बस उन्होंने ठान लिया कि वो अपने इस भविष्य को अपनी इच्छा शक्ति के बल से बदल देंगे, और उसी क्षण वो सन्यासी हो गए। कैसा अद्भुत भातृ प्रेम और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति। ऐसा विचित्र त्याग तो कहीं देखा न कहीं सुना। तो क्या इलंगो अड़गल सदा यहीं रहते हैं? हाँ,
इलंगो संन्यास ग्रहण करने के बाद से देवी कन्नगी के मंदिर के एक ओर बैठकर देवी कन्नगी और उनके पति कोवलन के जीवन की घटनाओं के आधार पर एक महाकाव्य की रचना में संलग्न हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को वो अपना महाकाव्य सुनाया करते हैं। सांसारिक मोहमाया और आडंबरों को त्याग मंदिर के द्वार पर बैठकर भक्तों को स्वरचित काव्य सुनाने में उन्हें अपूर्व आनंद मिलता है। और वो भविष्यवाणी क्या वह सत्य होगी? नहीं, मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति में भाग्य की रेखाओं को बदलने की अद्भुत क्षमता होती है और इसका साक्षात प्रमाण है महाकवि लंगो अड़िकल। अब उन्हें इस भविष्यवाणी से कोई भय नहीं लगता। उन्होंने अपने जीवन की राह को सर्वथा एक अलग और नया मोड़ दे दिया है। तब तो ऐसे महान संत कवि को हमें निश्चित ही प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सत्य कहते हो भाई। पुजारी जी, हम उनके पास चलते हैं। प्रणाम पुजारी बाबा। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाकवि। कल्याण हो। पधारिए। धन्यवाद। लगता है कहीं दूर से आना हुआ है। जी, इस मंदिर के बारे में बहुत लोगों से सुना था, इसलिए दर्शन करने की इच्छा हुआई। हो गए दर्शन? जी हाँ, देवी कन्नगी की प्रतिमा के दर्शन कर मन आनंदित हो गया। इतनी सुंदर सजीव प्रतिमा, लगता है अभी बोल उठेगी। यही तो विशेषता है इस मंदिर की, अद्भुत शांति और आनंद छाया रहता है यहाँ। प्रतिमा इतनी सजीव है, मानो स्वयं देवी कन्नगी साक्षात विराजमान हो। महाकवि, कृपया हमें देवी कन्नगी के विषय में कुछ बताएं। ये देवी कौन है और यहाँ कहाँ से पधारी है? तो देवी कन्नगी के विषय में आप लोग नहीं जानते? तब तो मुझे आपको देवी कन्नगी के विषय में बताकर प्रसन्नता होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है ये। कावेरीपट्टनम पर पुहार नाम शहर में एक धनिक व्यापारी रहता था। नाम था उसका मानायकन। उसकी इकलौती पुत्री थी कन्नगी। बहुत ही संपन्नता और वैभव के बीच पली बढ़ी कन्नगी सौंदर्य गुण और शील की खान थी। गृह कार्य और प्रबंधन में दक्ष उस अलौकिक सौंदर्य युक्त कन्या के संस्कार अति उत्तम थे। इतना वैभव और सौंदर्य ईश्वर कृपा से प्राप्त था उस कन्या को, फिर भी इतनी सुशील थी। हाँ, और ये गुण उसे अपनी माता से विरासत में प्राप्त हुए थे। महाकवि, तब तो उस कन्या का विवाह भी किसी उच्च घराने में हुआ होगा। ठीक कहा तुमने। विवाह योग्य आयु होने पर कन्नगी का वैदिक रीति के अनुसार विवाह कर दिया गया। कौन था वो भाग्यशाली वर जिसे ऐसी सुशील कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई? वो भाग्यशाली युवक था कोवलन, उसी नगर के एक और धनिक व्यापारी मानायकन का इकलौता पुत्र। महाकवि, कितना उत्तम संयोग! कामदेव व्रति के समान सुशोभित हुआ होगा वो जोड़ा। सत्य कहते हो भाई। कोवलन जैसा रूपवान एवं संपन्न युवक उस नगर में दूसरा था भी कहां। तब तो एक दूसरे को पाकर धन्य हो गए होंगे। हाँ, आरंभ में तो ऐसा ही लगा कि विधाता ने उस जोड़े पर विशेष कृपा कर उन्हें सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न सुखी जीवन प्रदान किया है। किंतु विधि के विधान को ना तो कोई पहले से जान सकता है और ना ही बदल सकता है। ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में महाकवि? क्या कोई अनहोनी घटना उनके जीवन के सुख को ग्रहण लगा गई? हाँ भाई, यही समझ लो, माधवी नाम की एक दुख की बदली उनके सुखी जीवन में नभ पर ऐसी छाई कि कन्नगी के सुंदर नयनों में हास्य की चमक के स्थान पर दुख की बरसात भर गई। ओ, कितने दुख की बात है। लेकिन महाकवि, ये माधवी थी कौन?
माधवी पुहार नगर की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना थी। किसी अप्सरा सी सुंदर अद्भुत नृत्यांगना माधवी के अभूतपूर्व नृत्य सौंदर्य पर कोवलन अपना चित्त हार गया। और माधवी? माधवी भी कोवलन से प्रथम दृष्टि में ही प्रेम कर बैठी। माधवी के प्रेम में पड़कर कोवलन ने अपने घर और कन्नगी को ही नहीं छोड़ा, वरन अपने व्यापार से भी मुंह मोड़ बैठा। बेचारे कन्नगी, अकेली रह गई होगी। हाँ, असीम धैर्यवान और शीलवती सती कन्नगी कोवलन के लौटने की आशा में विरहिणी बनी जीवन के दिन काटती रही। तो महाकवि, क्या कोवलन कभी नहीं लौटा? लौटा ना, किसी कारणवश कोवलन के मन में माधवी के चरित्र के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। बस इस संदेह का विषदंश लगते ही कोवलन की भावनाएं माधवी के प्रति कठोर होती गईं और अंततः एक दिन उसने माधवी का परित्याग कर दिया। तो क्या कन्नगी ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया? कोवलन ने वापस लौटकर कन्नगी से क्षमा याचना की। सती कन्नगी तो उसकी प्रतीक्षा में आशा का दीप जलाए ही बैठी थी। कोवलन ने कहा कि अब वो इस नगर को छोड़कर स्वयं अपने बल पर जीविकोपार्जन करना चाहता है। इस पर कन्नगी ने कहा कि वो हर परिस्थिति में उसका अनुसरण करेगी। ओह, इसके बाद क्या हुआ महाकवि? फिर वो दोनों पति पत्नी व्यापार यात्रा पर निकल पड़े। कोवलन व्यापार के लेन देन में इतना लिप्त हो गया कि एकाएक उसे धनाभाव का सामना करना पड़ा। तब कन्नगी ने उसे कहा कि वो किसी अनजान नगर में जाकर उसके सुहाग का नूपुर बेच दे और उस धन से अपना कार्य पूरा कर ले। हो, कितना विशाल हृदय था देवी कन्नगी का। हाँ। अन्यथा कोई स्त्री इस प्रकार अपना आभूषण बेचने के लिए सहज ही नहीं देती, और वो भी अपने सुहाग की निशानी तो कदापि नहीं। तो क्या उनकी समस्या का समाधान हो गया? नहीं, ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। कन्नगी का वो नूपुर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मदुरई की महारानी का नूपुर था, और दुर्भाग्यवश कोवलन को वो नूपुर उसी स्वर्णकार के पास बेचने ले गया जिसने महारानी का नूपुर लोभवश गलाकर कह दिया था कि नूपुर चोरी हो गया है। बस फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए उस स्वर्णकार ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, और महाराज ने कोवलन की बात सुने बिना ही उसे प्राण दंड दे दिया। ये क्या कह रहे हैं महाकवि? इतना बड़ा छल और ऐसा अंधा अन्याय, ये तो ठीक नहीं हुआ। हाँ भक्त जनों, सती कन्नगी इस आघात को सह नहीं पाई। उनके आक्रोश की आग में समस्त नगर जल गया। नगर के महाराज और महारानी का ग्लानि और दुख के कारण प्राणांत हो गया। देवी कन्नगी अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, किंतु नगर देवी ने उसे विश्वास दिलाया कि उसका पति स्वयं आकर उसे अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा, और ये बात सुनकर देवी कन्नगी ने धैर्य धारण कर लिया। कितनी विचित्र कथा है ये। तो क्या कोवलन सचमुच स्वर्ग से आकर देवी कन्नगी को अपने साथ ले गया? हाँ, और भक्तों, यही वो स्थान है जहां देवी कन्नगी तपस्या में रत बैठी रही और जहां से कोवलन रथ पर आकर उसे अपने साथ स्वर्ग ले गया। ये दृश्य इस नगर के सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और धन्य हो गए। और इसीलिए राजा सेन कुट्टुवन ने यहां देवी कन्नगी का मंदिर बनवाया। हाँ, तब से यहां प्रतिदिन दर्शन पूजन का विधान है। यहां आकर देवी कन्नगी की मूर्ति का दर्शन करने वालों को अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। महाकवि, ये बात तो सत्य है, और हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। किंतु माधवी, उसका क्या हुआ महाकवि? भक्तों, माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी।
वो किसी सदगृहस्थ नारी की ही भांति कोवलन के विरह में डूबी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अभी उसके बारे में आगे के समाचार जानना शेष है और इसी प्रतीक्षा में मेरा ये काव्य अभी अधूरा है। जिस दिन उसके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी पा जाऊंगा उस दिन मेरा ये काव्य संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। किंतु महाकवि, ये जानकारी आपको यहां बैठे मिलेगी कैसे? भक्तो, आदरणीय विद्वान ब्राह्मण माडलन इस कार्य में मेरे सहायक होंगे। उनकी प्रेरणा से ही मैं इस महाकाव्य की रचना कर पाया। उन्हीं की सहायता से ये महाकाव्य संपूर्ण भी होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आप धन्य है महाकवि, आपका जीवन धन्य है, आपका त्याग धन्य है। इतने उच्च आदर्श वाले ऐसे महान संत कवि के दर्शन कर आज हम धन्य हो गए। आपको शत शत नमन महाकवि, शत शत नमन। आपका आपका कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कंगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। आप सुन रहे थे धारावाहिक नूपुर के स्वर की 12वीं कड़ी। ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित था। इसके नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर वे नल्लतंबी, आलेख ब्रजलता, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुतकर्ता ए आर कृष्णमूर्ति। इस धारावाहिक की अगली एवं अंतिम कड़ी आप सुन सकेंगे कल इसी समय।